नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एफएमसीजी के जो स्टॉक्स होते हैं वो इवर ग्रीन स्टॉक्स होते हैं। ये आपको हर दिन हर क्षण हर समय बढ़िया रिटर्न देगा। मतलब आप जो पैंडेमिक सिचुएशन देखे होंगे जिसमें काफ़ी गिरावट आया, लेकिन इस स्टॉक में भी थोड़ी गिरावट आई, लेकिन रिकवरी इतनी फास्ट हुई। कुछ तो एफएमसीजी के स्टॉक्स ऐसे थे कि मार्केट में पूरी तरह से गिरावट हो रहा था, उसके बावजूद एफएमसीजी के स्टॉक्स जो है, कुछ स्टॉक जो अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो कि मार्केट लीडर्स हैं, वो ऊपर ही जा रहे थे। मतलब मार्केट में गिरावट, वो लगातार नया पे नया हाई बनाते जा रहे थे। तो ऐसे ही स्टॉक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एफएमसीजी के टॉप 10 स्टॉक्स। इस टॉप 10 के अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टॉप 10 जो है वो इवर ग्रीन स्टॉक्स है। मतलब आपको एक कांस्टेंट रिटर्न चाहिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक्स चाहिए, तो आप एफएमसीजी सेक्टर से 2-3 स्टॉक चुन सकते हैं। तो जब भी आपको नीचे के प्राइस पर कैप्चर करने मिले तो आप इन स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है नेस्ले इंडिया वन ऑफ द मार्केट लीडर स्टॉक्स है। जब भी मैगी इसका काफ़ी अच्छा मतलब प्रोडक्ट है जो कि मार्केट को लीड करता है, तो वो प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट में से एक है। तो इसका देखते हैं, जब पैंडमिक सिचुएशन आया था उसमें गिरावट में ये 13,000 का स्टॉक्स हुआ करता था। 13,000 से अभी ये 17,000 के आसपास जा चुका है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर कितना तेज़ी रिकवरी आया। देख सकते हैं यहाँ पर जो गिरावट आया 23 मार्च को, और यहाँ पर देखें रिकवर कर लिया ये 8 अप्रैल तक, मात्र 10 दिन में रिकवरी इसमें कंप्लीट हो गया। तो ये होते अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है एफएमसीजी सेक्टर के। और लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। देख सकते हैं आपको कभी लग रहा है इसके चार्ट में कोई गिरावट आई है, तो ये इवर ग्रीन स्टॉक्स है एफएमसीजी सेक्टर का। तो यहाँ पर देख लीजिए 574% का रिटर्न, 574% का रिटर्न है 2010 से 2020 तक में। 10 साल में आपको 574% का वेल्थ क्रिएट करके ये स्टॉक्स दिया है। तो ये स्टॉक्स भी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि मतलब मार्केट के लीडर में से एक है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है मैगी वो मार्केट को लीड करता है। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर गिरावट में आपको कभी भी 15,000 से नीचे मिलता है तो। उसके बाद दूसरा स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये सबसे बड़ा मार्केट लीडर है, इसके कई सारे प्रोडक्ट हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, मतलब कई सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट को लीड करता है। जैसे आप डव साबुन ले लीजिए, फेयर एंड लवली ले लीजिए, उसी तरह से आप लक्स ले लीजिए, जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसका आप रिटर्न देखिएगा 1% पे। तो सारे स्टॉक्स में आपको मतलब बहुत सारे स्टॉक्स में रिकवरी देखने मिली है, लेकिन इस स्टॉक में करेक्शन भी आपको बहुत कम देखने मिला होगा। तो 30% का इसमें देख सकते हैं कि एक साल में ये रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। इसमें भी गिरावट आया, देखते हैं 23 मार्च को 1869 रुपया, उसके बाद रिकवरी देख लीजिए कितने तारीख में ये, उसके बाद देख सकते हैं 15 अप्रैल को ये एक नया हाई बना रहा था 2487 रुपये का, मतलब 2500 रुपये तक का ये हाई बनाया था। ये समझ सकते हैं 2500 रुपये छोड़िए 2600 रुपये का ये 15 अप्रैल तक में, और ये रिकवर तो मात्र कुछ ही दिनों में कर चुका था, मात्र 31 मार्च को ये रिकवर कर चुका था अपना प्राइस, मात्र 7 डेज में, एक सप्ताह में ये अपना प्राइस रिकवर कर लिया। तो ये होते फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है एफएमसीजी सेक्टर के। तो जब आप इसके मार्केट लीडर के साथ जाएंगे थोड़ी सी करेक्शन पर, यहाँ पर जैसे करेक्शन हुआ तो आप यहाँ पर 1977 रुपये, तो यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो भी अभी आपको देखते हैं इतना परसेंट का रिटर्न मिलता है, 12.8% का। और ये सबसे बड़ी बात है, ये सेफ स्टॉक्स है। जब आप इसमें गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत ही सेफ रहेंगे, क्योंकि इसमें कभी भी आपको बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही स्टॉक के साथ आप इन्वेस्ट करें, मतलब मार्केट में जो लीडर कंपनियाँ हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखें तो देखते हैं आप लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट कितना बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म में ये 1000% का रिटर्न दिया है। तो इसमें रिटर्न तो उतना फास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है एकदम सेफ रहेंगे ऐसे स्टॉक में, एकदम सुरक्षित तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये भी एक बेहतरीन स्टॉक्स है, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। चलिए एयरटेल डेट में देखते हैं, इसमें गिरावट आया था तो बिल्कुल गिरावट आया था, देख सकते हैं यहाँ पर ये 2100 रुपये तक आ चुका था, वहाँ से यहाँ पर देखिए काफ़ी तेज़ रिकवरी। और
अप्रैल के महीने में ये अपना प्राइस पूरी तरह से रिकवर कर लिया और यहाँ से गिरावट से देखिएगा अभी तक में ये कितना 74% का रिटर्न दे चुका है जो गिरावट आया था वहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि यह सारे स्टॉक्स जो है नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया, मैरिको, ये सारे स्टॉक्स जो है मार्केट लीडर है एफएमसीजी सेक्टर के। इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट को लीड करता है। अब जैसे ब्रिटानिया है, इसके जो बिस्किट ब्रांड है, आप जो इसके बहुत सारे बिस्किट ब्रांड देखते हैं वो मार्केट को लीड करता है। तो नेस्ले का मैगी, एचयूएल का बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें लक्स हो गया, डव हो गया, फेयर लवली हो गया, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद जो ब्रिटानिया है, इसका जो बिस्किट्स है, आप ब्रिटानिया के बहुत सारे बिस्किट खाएंगे, ये मार्केट को लीड करता है। 50% मार्केट बिस्किट मार्केट को लगभग कैप्चर करता है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये। और इन सारे स्टॉक्स में आपको डिविडेंड भी मिलेगा, 1% के आसपास देखते हैं डिविडेंड यील्ड है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। मैक्सिमम ईयर में इसका रिटर्न देखेगा तो ये इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर 6000% का रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न में से एक है। उसका बाद अगला है हमारा मैरिको लिमिटेड। मैरिको ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसके पैरासूट ऑयल वो भी मार्केट को लीड करता है। मतलब वैसे कंपनियां जिसके कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट को लीड करता है, तो वैसे कंपनियां आपको निश्चित है कि एफएम सेक्टर में बेहतरीन मतलब रिटर्न देंगे, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें देख लीजिए गिरावट आया था 23 मार्च को और वहाँ से ये देख सकते हैं 42% का रिटर्न दे चुका है। वही मैक्सिमम ईयर में बात करें, 5 ईयर्स में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब ये जो एफएमसी सेक्टर है थोड़ा धीरे धीरे आपको रिटर्न देंगे, लेकिन बेहतरीन रिटर्न देंगे। साथ साथ ये बोनस शेयर भी दिया है अपने इन्वेस्टर को। अब यहाँ से देख लीजिए 2001 से अभी तक में तो 12000% का रिटर्न दिया है, 12000% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, कितना बेहतरीन रिटर्न है। उसके बाद अगला है हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। गोदरेज का ब्रांड, आप बहुत सारे इसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखें जो काफ़ी बेहतरीन है। इसका भी 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, इसमें भी काफ़ी गिरावट आया था देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये बहुत तेज रिकवरी किया, 60% का वहाँ से रिटर्न दे चुका है। 5 ईयर्स में करें, 5 ईयर्स में भी ये इन्वेस्टर को 5 ईयर्स में भी 68% का रिटर्न, तो देख सकते हैं कभी भी इसमें आपको निगेटिव रिटर्न देखने नहीं मिलेगा। अब यहाँ से देख लीजिए 2001 से 16000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी। तो हर समय अगर आप सेफ रूप से, मतलब अगर आप बिगिनर्स हैं, आप सुरक्षित इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो आप इन सारे स्टॉक एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है, 1.15% का। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया ये भी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। ये भी देखिए एयरटेल डेट में, तो इसमें भी गिरावट आया था, यहाँ से देख सकते हैं 23 मार्च को जो गिरावट आया वहाँ से 19% मतलब 20% का रिटर्न दे चुका है। 1 ईयर में बात करें तो 1 ईयर में देख सकते हैं कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 16% का। 5 ईयर्स में बात करें, 5 ईयर्स में भी अच्छा खासा रिटर्न, 62% का। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम में तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। मैक्सिमम ईयर में काफ़ी मतलब बोनस शेयर भी दिया है अपने मतलब शेयर होल्डर्स को। तो मैक्सिमम हम बात करते हैं तो देख सकते हैं 6000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है इन सारे स्टॉक्स का। उसके बाद अगला स्टॉक्स है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ये भी बेहतरीन स्टॉक्स में से एक है और टाटा ब्रांड है, तो आप ऐसे भी टाटा ब्रांड पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया का ट्रस्टेड ब्रांड है। देख सकते हैं 1 मंथ में 16%, 6 मंथ में बात करें तो 6 मंथ में थोड़ी सी गिरावट आई होगी। 6 मंथ में देख लेते हैं तो 6 मंथ में 22%, 6 मंथ में भी 22%। ईयर टिल डेट में बात करें तो ईयर टिल डेट में भी देख लेते हैं तो ईयर टिल डेट में भी 32%। देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, 1 ईयर में तो और बेहतरीन दिया होगा। तो 1 ईयर में देख लेते हैं तो 1 ईयर में 69%। उसके बाद 5 ईयर्स में देख लेते हैं, 5 ईयर्स में 209%। उसके बाद मैक्सिमम ईयर में बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम ईयर में देख सकते हैं 2000% का रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में 2000% का रिटर्न दिया है। तो कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये, हर समय पॉजिटिव रिटर्न। आप 1 मंथ बात करें, ईयर टिल डेट करें, 1 ईयर करें, 5 ईयर्स करें, मैक्सिमम ईयर करें, हर समय काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। उसके बाद अगला स्टॉक्स है हमारा ITC। ये थोड़ा धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक्स है, बहुत धीमी गति से चलता है और लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा। 1 मंथ में बात करें तो 1 मंथ में ये देख सकते हैं इसका जो रिटर्न परसेंटेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 मंथ में
लगभग फ्लैट रहा है, कोई कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। सिक्स मंथ में देख सकते 18% का निगेटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में 18% का निगेटिव रिटर्न। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं 20% का निगेटिव रिटर्न 1 ईयर में। लेकिन अब लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेगा तो ये निश्चित है कि बेहतरीन रिटर्न देगा, अभी 5 ईयर्स में निगेटिव रिटर्न 10% का। अब लेकिन मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, यहाँ से देख लीजिए 1800% का रिटर्न, यहाँ से आप देख लीजिए 1000% का रिटर्न। तो मैक्सिमम जो लॉन्ग टर्म का होराइजन है वहाँ से ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया। अगर आप सेफ खेलना चाहते, अभी इसका प्राइस आपको काफ़ी नीचे मिल रहा है और डिविडेंड भी काफ़ी शानदार है, देख सकते 5% का डिविडेंड यील्ड, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। गिरावट में आपको मिलता है तो वहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये स्टॉक्स है कि आपको सुरक्षित रूप से आपको बेहतरीन रिटर्न देगा, मतलब सुरक्षित रूप से आप इसमें खेल सकते हैं जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा। उसके बाद अगला हमारा है कोलगेट इंडिया, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। 6 मंथ में देखिएगा तो भी देखिए चार्ट फ्लैट रहा है, ईयर टिल डेट में देखिएगा फ्लैट है, 5 ईयर्स में बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं, 5 ईयर्स में आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, देख सकते हैं 36% का। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा 1300% का। तो देख सकते हैं कि ये सारे स्टॉक जो है FMCG सेक्टर, आप इसमें इन्वेस्टमेंट तो आपको सुरक्षित रहेगा, मतलब सेफ रूप से आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 2% का है, तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा शानदार है। उसके बाद अगला स्टॉक्स है हमारा जुबिलेंट फूड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। 6 मंथ में रिटर्न देखेगा लगभग निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर में ईयर टिल डेट में देखेगा तो भी निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर में देखेगा तो यहाँ पर देख लीजिए 1 ईयर में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है 34% का, 5 ईयर्स में यहाँ पर देख लीजिए 5 ईयर्स में 79%, मैक्सिमम ईयर में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए 1300% का रिटर्न। तो ये है मतलब हमारा जो बेहतरीन स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। साथ साथ FMCG सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं जो मार्केट लीडर है, जैसे नेस्ले हो गया, HUL हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, इन सब के साथ आप जाते हैं तो आपका जो निवेश होगा बहुत ही सुरक्षित होगा, निवेश जो है काफ़ी सुरक्षित, क्योंकि इसके बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और ये मार्केट के लीडर कंपनियाँ हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सुरक्षित रहेगा, और जो आप सुरक्षित रूप से अपना वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो ऐसे ही मतलब एजुकेशनल वीडियो आप अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।